दफा जाकर इजाजत ले लूंगी, मगर अगर उन्होंने मना किया ना तो करूंगी मैं अपनी। कोई जरूरत नहीं मुझसे इजाजत लेने की, मेरी तरफ से तुम बाहर में जाओ। यानी इस्लामाबाद जाओ? अबू जान आपने सुना, पाचा साहब ने मुझे इजाजत दे दी। यस, अब कल शाम को मैं जा रही हूँ। 3, 2, 1 क्यों? जी नाजरीन, एक बार फिर आपको हम सोचो पाकिस्तान की सेगमेंट झूठ बोले कवा काठी में खुश आमदेद कहते हैं। आज हमारे साथ है उम्मीद पाशा और इस वक्त वो पहन चुकी है हमारा लाइट डिटेक्शन का अपरेटस। उनके बाएं हाथ पे है हमारा कवा जो कि इनके झूठ बोलने पे इनको काट भी सकता है, और दाएं जानेब पे है हमारा लाइट डिटेक्शन अपरेटस जो कि इस वक्त हम चला के आपको दिखाएंगे। वन फॉरन ट्रैक पे आओ, लड़की को जूम करो। अगर इन्होंने हमसे झूठ कहा तो जी उबीद पाशा, मुझे ये बताइए आपको मैं कैसा लगता हूं? अच्छे? अरे ये तो मशीन वाकई चल पड़ी। लेकिन हम अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और उबीद पाशा से ये पूछते हैं, आप क्या सोच के इस प्रोग्राम में आएंगे? करोड़ों के इनामात और सोना जीत कर लेकर जाऊंगी। मुझे तो लग रहा है कि उम्मीद पाशा शायद यहाँ से एक वाटर कूलर जीत के जाए, या शायद कुछ भी नहीं। आप सेगमेंट शुरू तो करें, उसके बाद देखिएगा। अच्छी जबरदस्ती है। जबरदस्ती नहीं, कॉन्फिडेंस है, वो भी खुद पर और अपनी किस्मत पर। भाई लड़की में दम है। दम है तभी तो घर छोड़कर आई हूँ। क्या नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में सनसनी खेजी बढ़ती जा रही है, ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग है। उम्मीद पाशा अपना घर छोड़कर हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर रही है, आप भाग कर आई। भागी तो मैं पहले थी, इस बार घर में सबको बता कर आई। और सच बोलती है मेरी बच्ची? आप जो भी कह रही है। हाँ, इतना सच बोलेगी और पाशा साहब सुन लेंगे तो हार्ट फेल से मर जाएंगे ना बेचारे। अम्मी किस तरह की बातें कर रही है? क्यों गलत कह रही हूँ क्या? बंद करो इस टीवी को, एक तो सारी दुनिया से तुम्हारे लिए मैं लड़ रही हूँ, ऊपर से इस मनहूस बच्ची का तुमने शो लगाया हुआ जिससे मेरी नींद खराब की हुई है। खबरदार जो तुमने मेरी बच्ची को कुछ कहा तो। आहुजन, आपको वैसे तो कुछ याद नहीं रहता लेकिन उम्मीद की सब बातें याद रहती हैं। मुझे तो लगता है आप ये पूरे मन ड्रामा करती है। अम्मी इस तरह बात नहीं करें आहुजन से। तो क्यों ना करूं? आपको ये भी नहीं, क्यों ना करूं बताओ? मैंने भी नहीं कहा। अरे भाई सब कुछ अच्छा खासा जा रहा था और इनकी पोती ने ना सब कुछ बर्बाद कर दिया। मासूम सी बच्ची को बलि की बकरी बना दिया। बकरी नहीं बकरा होता है। देखा देखा, याद था ना आपको? आपको सब याद होता है। हाँ हाँ बकरी, छोटी सी मासूम सी बच्ची मेरी बकरी है बल्कि भेड़ की तरह है। अम्मी आप फिक्र नहीं करें, आगू जान बात कर लेंगी पाशा साहब से। मुझे कुछ याद रहेगा तो बात करेंगी ना। बंद करो ये सब सब। सेलेक्ट होती भी है नहीं? अरे क्यों नहीं जीतेगी, मेरी ही बच्ची जीतेगी। तुम तेज करो आवाज को। हाँ जी, तो मुझे ये बताइए आप जब भागी थी तो क्या अकेली भागी थी या किसी के साथ भागी? पहली दफा तो अकेले भागी थी मेडिकल टेस्ट से बचने के लिए, मगर टेस्ट ही कैंसिल हो गया, और दूसरी बार अपनी मंगनी से। क्या आप अपनी मंगनी से भागी थी? जी मंगनी से। वो भी आप अकेले भागी? भागी तो मैं अकेले थी, मगर रास्ते में हलाकू खान जंगेज खान का रोबोट वर्जन मिल गया और फिर उसने मेरी हेल्प की, या यूं समझे मैंने उससे जबरदस्ती हेल्प ली। वाओ, ये तो बिल्कुल एक फिल्मी सिचुएशन है ना जी, जहां हीरोइन अपने घर से निकली और घर से निकलते ही उसे हीरो मिल गया। तौबा करे, हीरो कहां से है वो? एक तो वो नचड़ा ऊपर से निमोड़ा और इंतहाई बदतमीज बदलियाज और मगरूर लड़की है यार फरजाद साहब। तो मेरी जिंदगी में इस तरह की लव स्टोरी की कोई गुंजाइश नहीं। उम्मीद पाशा आपकी उम्र क्या है? 20 साल 3 महीने। वाह, और नाजरीन इसके साथ हमारे 3 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं। यह हमारे शो में पहली दफा हुआ है कि किसी कंटेस्टेंट ने अभी तक कोई झूठ नहीं बोला। उम्मीद पाशा ने सारे सवालों के जवाब बिल्कुल सच दिए हैं, क्योंकि ना ही हमारे कव्वे ने इनको काटा ना ही हमारा बजर बजा, और इसी के साथ उम्मीद पाशा जीत चुकी है 20 लाख रुपए। शाबाश मेरी बच्ची जीत गई। जी उम्मीद पाशा, मेरे पास आ चुका है 20 लाख रुपए का चेक जो कि थोड़ी देर बाद मैं आपके हवाले कर सकता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक ऑफर और देना चाहता हूँ। अगर आप जीतना चाहती हैं 2 करोड़ रुपए,
फैसले। मुझे ये बताइए कि क्या ऑडियंस में आपके कोई घर वाले आपके साथ हैं? नहीं है। घर पे कौन कौन ये प्रोग्राम देखा? मेरी आगू जान, मेरी कजन हया, मेरे चाचू, मेरी चची और शायद मेरे बाबा भी। सही? तो इसका मतलब ये है कि आपको मशवरा देने वाला इस वक्त यहाँ कोई मौजूद नहीं है। आपको हम देंगे 5 सेकंड के अंदर आपको ये फैसला करना होगा अगर आप 2 करोड़ रुपए के लिए खेलना चाहती हैं। काउंट कीजिए मेरे साथ। 5, 4, 3, 2, 1। मैं खेलना चाहूंगी। एक्सीलेंट। उम्मीद पाशा, जो चेक आप अब से थोड़ी देर पहले जीती थी वो चेक मैं वापस अपनी अशर को दे रहा हूं और कल दोबारा हम मिलेंगे इसी शो में और खेलेंगे 2 करोड़ रुपए के लिए उम्मीद पाशा के साथ। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए सोचो पाकिस्तान। तुम देखना मेरी बच्ची 2 करोड़ जरूर जीतेगी। मुझे नहीं लगता दादी। मैं दुआ करूंगी ये जीतेगी। बहुत गलत किया उम्मीद ने। जी ना, सही जा रहे कर रहा हूं मैं। तुम बजा रही हो के? आप यहां भी? क्या है ये सब? हाँ तो सॉरी बोला तो है मैंने, और वैसे भी मैं फोन पर थी, आप तो देख सकते थे ना। कंधे पे भी मार दिया मुझे। मामा को कॉल बैक करता हूँ। तुम्हारे साथ कोई लड़की है? नहीं माँ, आपको कॉल बैक कर रहा हूँ। कहाँ चल दिए? जहन्नुम में। अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है, मगर मुझे कुछ आपसे जरूरी बात करनी है। वो जो मेरी घड़ी है वो मेरी अम्मी। देखिए मुझे तुम जैसी छोटी और नाकाबिले तबाह लड़की की एक बात नहीं सुनी। मैं छोटी? हाँ छोटी हो तुम, कुछ अच्छा डिजर्व नहीं करती अपनी जिंदगी में। घर में जाओ। ओह माय गॉड, मैं कुछ दिनों से नोट कर रही थी कि जब भी कोई बात होती थी और उसमें लड़की का जिक्र होता था तो फरजाद फौरन बात बदल देता था, मगर बात इस कदर बढ़ गई वो उस लड़की को अपने साथ इस्लामाबाद ले गया है। ओ, इसीलिए वो महक को होटल नहीं ले गया, इसी वजह से उसने महक को छोड़ा होगा। तो हो सकता है वो महक ही हो ना? नहीं, मैंने खुद उस लड़की की आवाज सुनी, वो इस कदर बेतकल्लुफी से बात कर रही थी। कहीं सजाद ने छुपके से शादी तो नहीं कर ली? वो छुपके शादी क्यों करेंगे? जरूर उसके साथ कोई मसला है, इसलिए वो हमसे छुपा रहा है। आप खुद से assumptions नहीं करें, भाई से पहले कंफर्म तो कर लें। 100% कंफर्म्ड है, बस तुम उससे कहो कि वो फौरन उसे डिवोर्स दे। और आपको तो खुश होना चाहिए ना कि भाई की जिंदगी में कोई आ गया। इनफैक्ट आप ही तो यही चाहती थी। नहीं, कोई और बात है, इसलिए वो इस तरह छुपा रहा है। ओके माँ, मैं भाई से बात करती हूँ, आपने दवाई ली है अपनी? मैया, मैं दवाओं से मेरा डिप्रेशन ठीक नहीं होगा, बस तुम फौरन सजाद से कहो कि वो वापस आ जाए। अच्छा आप रेस्ट करें, मैं आपके लिए डिटॉक्स टी लेकर आ रही हूँ। हेलो, मैं आपकी कॉल का ही वेट कर रही थी। बात सुने, मैं झूठी नहीं हूं और आप इस तरह की बातें करके ना मेरी कामयाबी में अपने तार कोल नहीं अटका सकते। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? आप मुझे अच्छे इंसान लगे थे इसलिए जरा सी हेल्प मांग ली। देखिए पहली बात तो ये कि आहिस्ता बात करें, ये पब्लिक प्लेस है, और दूसरी बात ये कि आपकी चिकनी चिकनी बातों से मैं बेवकूफ नहीं बनने वाला। अच्छा ठीक है, मैं ना
मैं आपको ना सब कुछ सच सच बताती हूँ। प्लीज मुझे आपके किसी सौतेली माँ या बाप की मजीद झूठी कहानियां सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा ठीक है ना, मान लिया मेरी गलती है, अगर मुझे क्लियर करने का मौका तो दे। आई प्रॉमिस मैंने आपका फोन नहीं चुराया था। ओह प्लीज शट अप। यू शट अप। हर ना जाए। और मैंने आपसे इस तरह के बिहेवियर की ना उम्मीद नहीं की। अच्छा तो हलाकू हिटलर आजम के इस रोबोटिक वर्जन और एक बदतमीज बदलिहाज और खड़ूस इंसान से आप और क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? ओ तो आपने शो देख लिया, फिर तो आपको यकीन हो गया होगा कि मैं सच कह रही हूँ। मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे, मेरी मंग नहीं कर रहे थे। और अगर आपको यकीन नहीं है ना मेरी बात पे, तो मैं आपकी हया से बात करवा देती हूँ। हया? मेरी कजन जिसकी मेरी जगह मंगनी हो गई है। देखिए ना मुझे आप में, ना आपकी कजन में, ना ही आपकी किसी कहानी में कोई इंटरेस्ट है। Do you understand? लेकिन आप मेरा यकीन करें, मैं वाकई आपको आपके पैसे वापस करने की नियत रखती हूँ। नहीं चाहिए पैसे, प्लीज जाएं यहाँ से। मगर मुझे आपको आपके पैसे वापस देने हैं। मैं सच कह रही हूँ, प्रॉमिस मैं आपके पैसे वापस दूंगी आपको। पागल इंसान है, मैं यहाँ क्यों बैठ गई हूँ? माँ 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 मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? माँ मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्यों माँ क्यों? मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या अंडरस्टैंड करूं? 24 घंटे तुम्हारी नाक पे गुस्सा धरा रहता है, तुमसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। ऐसे में कोई लड़की खुद से कैसे अट्रैक्ट होगी तुम्हारी तरह? और जो लड़कियां मैं लेकर आती हूँ, तुम उन्हें बेवकूफ और अहमक कहकर रिजेक्ट कर देते हो। आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम किस आइंस्टाइन की बेटी का इंतजार कर रहे हो? प्यारी मेरी मोस्ट ब्यूटीफुल माँ, परेशान क्यों होती है? नया माँ की बहू ये वही लड़की है? हाँ। सुनिए अजी, सुनिए आपको देख के खुशी से बेहोश हो गई। लड़की वाकई में ऐसी हुई तो हेलो, इस्लामाबाद की पहली फ्लाइट पर मेरी सीट करा दें। पहला डब्बा खुल चुका है, उम्मीद पाशा ने सिफर नंबर सिलेक्ट किया और हाथ पे भी सिफर आया। अब उनके पास गलती की गुंजाइश मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं है। इनके पास फिर भी दो चांसेस बचे हैं और बम्पर प्राइस अभी भी इन बॉक्सेस में से किसी एक के पीछे है। जी उम्मीद पाशा, बताइए कौन सा बॉक्स आप खोलना चाहेंगी? सोच समझ के फैसला करना, क्योंकि यह है सोचो पाकिस्तान। नंबर टू। इस बार भी मुझे उम्मीद पाशा बहुत ज्यादा शोर लगी है। जिस तरह इन्होंने पहले बॉक्स को खोला, उस वक्त भी इन्होंने यही कहा था जीरो, और हाथ में क्या आया? जीरो। लेकिन इस बार इन्होंने कहा है नंबर टू। देखते हैं नंबर टू बॉक्स में क्या छुपा हुआ है। एक, मेरे साथ मिलके बोले दो, और क्या बात है। कभी कभार कार्ड पे होता है अंडा, कभी होता है समोसा, और कभी जो आपकी किस्मत में लिखा है वो इनाम छुपा हुआ होता है।
तो आइए एक बार हम अपने आवाम से पूछ लें कि इस कार्ड पे क्या लिखा हुआ है। जी बताइए। जी उम्मीद, क्या लगता है आपने क्या जीता है? सुनो, वक्त आ चुका है कि उम्मीद पाशा को हम बताएं कि उन्होंने क्या जीता है। उम्मीद पाशा, ऑन द काउंट ऑफ 3, 1, 2, 3, आप जीत चुकी हैं एक 1300cc कार। बहुत बहुत मुबारक हो। जी लेके आए गाड़ी की चाबी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी ब्रांड न्यू गाड़ी। तालियां। जी उम्मीद ये गाड़ी आपके साथ जाएगी। आपके पास अभी भी एक और चांस रहता है। बताइए आपके लिए कौन सा डब्बा खोले, सोच समझ के फैसला कीजिएगा, क्योंकि हमारा बम्पर प्राइस अभी भी इनमें से किसी एक डब्बे के पीछे मौजूद है। नंबर सिक्स सोच लो। नंबर फाइव भी हो सकता है। नंबर फोर। जी पहले तो आपने कोई और नंबर बोला, बट अभी नंबर फोर। जी अपने दिलों की धड़कनों को थाम लीजिए, क्योंकि क्या पता नंबर फोर के पीछे ही हमारे शो का बम्पर प्राइज हो। तो मेरे साथ अरे वाह क्या बात है भाई, एक और कार। हमारी शो की हिस्ट्री में ऐसा बहुत कम हुआ है कि किसी कंटेस्टेंट ने एक के बाद दूसरा कार्ड जीता हो। देखना यह है कि क्या इस कार्ड पे हमारा बम्पर प्राइज का इनाम है या नहीं। जी उम्मीद बता दें आपको। जी बताइए इस कार्ड पे क्या है। आइए विदाउट फर्दर डू बताते हैं कि उम्मीद पाशा ने क्या जीता है। कथीरा आजाद, हमारी शो की हिस्ट्री में पहली बार उम्मीद पाशा जीत चुकी है 1000 गज का एक मकान। बहुत बहुत मुबारक हो। बंद करो ये सब, झूठी लड़की है कृष्ण से अभी करती, निकालो इसे बाहर, बंद करो, लाइट्स ऑफ। ऐसा नहीं हो सकता। शुक्र है ख्वाब था। ये चंगेज खान को मेरे पीछे ही पड़ गया, ख्वाब में भी आ जाता है। मां, जब भाई बोल रहे हैं कि वो उस लड़की को नहीं जानते तो फिर आप क्यों जा रही हैं वहां पर? बेबी, वो लड़की तुम्हारे भाई के साथ है और वो कह रहा है कि वो उसको जानता भी नहीं। That's impossible. आपको पता है भाई झूठ नहीं बोलते। मगर वो झूठ बोल रहा है इस लड़की के लिए। आखिर इस लड़की में क्या बात है? सोच सोच के मेरा दिल बैठा जा रहा है, बुरे बुरे ख्वाब भी आ रहे हैं। अच्छा तो फिर आप एक काम करें ना, मुझे भी साथ ले जाए, मैं भी जाके भाभी से मिल लूंगी ना। बेबी तुम्हें बताया है ना सुबह से कितनी मर्तबा एक ही सीट थी और वो मैंने ले ली। ओ, मेरी मेडिसिन्स रखी हैं? ओ गॉड, वो तो मैं भूल गई, मैं अभी लेकर आती हूँ। जल्दी आओ ना। समझता क्या है वो खुद को? प्राउडी कहीं का। कौन? वही घमंडी खड़ूस कहीं का, जिससे मैंने कुछ पैसे उधार लिए थे। उससे मैंने चंद हजार उधार के ले लिए। उसका दिमाग तो आसमान पे पहुंच गया। बात ऐसे करता है जैसे सुल्तान हो किसी सल्तनत का। उसका गरूर और घमंड तुम देखोगी ना तो तुम भी तौबा करोगी। अल्लाह भी कैसे कैसे लोगों को नवाजता है। तुमसे फिर मिला है वो? हाँ यार, उसके सामने तो मुसलसल मेरा इमेज खराब पे खराब ही होता जा रहा है। अगर पाशा साहब मेरा साथ देते ना तो ये सब कुछ कभी भी ना करती मैं। ऐसे लकी होते हैं वो बच्चे जिनके माँ बाप उनके दोस्त होते हैं, उनका साथ देते। हमारे हिस्से में तो बस पाशा साहब की डांट ही आई। आगू जान का प्यार भी आया है और वैसे भी उन्होंने तुम्हारे लिए पैसे भेज दिए हैं। सच्ची? आगू जान कहाँ है, मेरी बात करवाओ ना उनसे। वैसे बस आज का दिन है, उसके बाद ना मेरे पास पैसे ही पैसे होंगे, तुम देखना। इधर मैं इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हूँ और उधर उससे फरमाइश आ गई कि उनका लड़का जो है वो हमारी लड़की से बात करना चाहता है। अरे ऊपर से आ रहे हैं लोग और कोई रोकने वाला ही नहीं है। जीनत, मैं कह तो रहा हूँ कि मैं बात कर लूंगा। आप तो रहने ही दीजिए, इस फिल्म का ड्रॉप सीन ना मुझे खुद ही करना पड़ेगा। आगू जान रुको, मेरी बात नहीं रुकने वाली आज में। चुप रहे आप बिल्कुल। आगू जान, ये तूफान तो इधर ही आ गया। अब अल्लाह ही रहम करे, इस तूफान को एक बार आकर गुजर जाने दीजिए, इसी में सबका भला है। अरे भाई, तुम दोनों ने जो भी बात करनी है ना अब कर भी दो,
सुबह से तुम दोनों की कांव कांव सुनकर मेरे कान पक गए हैं, लेकिन मैं एक बात बता दूं, मैं अपनी उम्मीद के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी। हाँ हाँ जानती हूँ, यहाँ उम्मीद के बहुत से हिमायती हैं, किसी को मेरी बच्ची की फिक्र नहीं है ना। अरे रंग पीला पड़ गया उसका। मैं बता रही हूँ, मेरे होते हुए ना मैं ये शादी होने नहीं दूंगी। क्यों तुम कहीं जा रही हो बहू? नहीं कहीं नहीं जा रही, लेकिन अगर हालात इसी तरह रहे ना तो जरूर अपनी बहन के घर चली जाऊंगी और हया को भी साथ ले जाऊंगी। अम्मी मुझे नहीं जाना खाला के घर, पता नहीं वहाँ पर एक ही साइज के 5 छोटे छोटे बच्चे और बच्चों के भी कजन्स और दोस्त हैं। घर को चिड़िया घर बनाया हुआ है, पता नहीं हर कोने से बच्चा निकल आता है, बैठने की जगह ही नहीं होती है। लो जी, जिन पर तकिया किया वही पत्ते हवा देने लगे। तुम जाओ बेटा वलीद के घर जाओ, वहां उसकी बहनें जब अपने नमूने लेकर आएंगी ना तब पूछूंगी कितना सुकून मिला तुम्हें। जीनत क्यों हया को परेशान कर रही हो तुम यार? अपना बीच में बोलो ही मत। यार जीनत बात सुनो यार, इधर आओ। देखो तुम हर बात पे चिड़िया, तुम्हारी माँ हर वक्त तूफान मेल कभार क्यों रहती है? ज्यादा नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मुझे भी ना आपसे बात करने का कोई शौक नहीं है, मुझे आपके पैसे वापस करने। अरे भाई नहीं चाहिए पैसे। मुझे कोई एहसान नहीं रखना। देखें मैं आप पे कोई एहसान नहीं कर रहा, आप बल्कि मेरे पे एक एहसान करें, आप ये पैसे रख लें और जाएं यहाँ से। क्यों, मैं आपकी क्या कोई रिश्तेदार लगती हूँ जो आपके पैसे रख लूं? या आपने क्या मुझे सबका समझ के दिया है? कर्जा लिया था, कर्जा वापस देना है। अच्छा लाएं, दे पैसे। ये लीजिए। अभी से 25,000 है, बाकी के पैसे आपको बाद में दे दो जल्दी। पैसे बंद करो। थैंक यू। ये है वो लड़की? माँ आप यहाँ? अब बेहतर है माँ? जी जी बेहतर है आंटी। एक्चुअली ये सब कुछ ना उस उधार की वजह से हुआ आंटी। नाम क्या है तुम्हारा बेटा? उम्मीद, उम्मीद पाशा। नाम तो बहुत प्यारा है, लेकिन ये उधार वाली बात कुछ समझ में नहीं आई। मैं आपको ना सब कुछ शुरू से समझाती हूँ। हुआ दरअसल कुछ यूं कि मेरा ख्याल है आपको आपके कमरे में जाना चाहिए, आपके पाँव का दर्द तो बेहतर है ना। ये आपस में क्या इशारे हो रहे हैं? नहीं माँ कुछ नहीं, वो उम्मीद आप जाएं अपने कमरे में, हम बाद में बात करते हैं। जी नहीं, कोई जबरदस्ती है ना, अच्छा लग रहा है वो मुझसे बातें कर रही है, बैठा रहने दो मेरे पास। माँ आपको भी रेस्ट की जरूरत है, आप सफर करके आएंगे ना? ठीक है फिर मैं चलती हूँ। अच्छा सुनो, मेरे रूम में आ जाना, सामने वाला ही है। फिलहाल मैं अभी चलती हूँ। थैंक यू। आना जरूर। जी yeah.
माँ आप यहाँ क्यों आई हैं? क्या बना रहे हो? फिलहाल तो सब मुझे ही बना रहे। समीर ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बस बिला वजह। हाया तुम्हें मेरा कोई ख्याल नहीं। तुम्हारा ख्याल है इसलिए तुम्हारे लिए चाय बना कर लाई हूँ। साफ बोलो, ये तुमने उम्मीद की याद में बनाई है? मैं जानती हूँ जो कुछ भी हुआ है ठीक नहीं हुआ है, और मुझे पता है तुम बहुत अपसेट हो। मैं तो बहुत खुश हूँ, जान छुट जाएगी तुमसे। सच बताओ तुम क्या चाहते हो समीर? अगर तुम इस खुश फहमी में हो कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, इट्स नथिंग लाइक दैट। लेकिन वो लड़का तुम्हारे लिए अच्छा है। तुमने अगर उसका नाम लिया ना तो तुम्हारी जान ले लूंगी। हाँ जी, इतनी मोहब्बत अभी से? समीर मोहब्बत की बात नहीं है, बस पाशा साहब की इज्जत। सबकी खुशी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, कभी अपना भी सोचो। सबकी खुशी में ही मेरी खुशी है। तो तुम्हें अपनी खुशी मुबारक। ओ एक गुड न्यूज भी है, वो लड़का तुमसे मिलना चाह रहा है और उसने सबसे परमिशन भी ले ली है। क्या वलीद मुझसे अकेले मिलना चाह रहा है? उम्मीद भी नहीं है घर पर। समीर तुम करोगे मेरे साथ? समीर सफर जा, तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। अब ये भी बता दो, शादी कर ली है या सिर्फ अफेयर चल रहा है? अफेयर, शादी, वो भी इस लड़की से। She's a stranger, ma. तुम दोनों तो मुझे बहुत क्लोज लग रहे थे, अपनी आंखों से देखा है? माँ ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे है तो अच्छी, बस बोलती बहुत है। अरे यही तो मसला है, बोलती बहुत है, बोले तो बोले ही चली जाती है, और उसकी बातें नहीं हथौड़े होते हैं, और वो हथौड़े मेरे सर पर बरसाती है और खुद ही बातें ज़ूम कर लेती है। इसकी आवाज़ सुनके ना मुझे माइग्रेन होने लग गया है, और तूफान की तरह आती है और हर चीज़ बर्बाद कर देती है। रिलैक्स फरजाद, तुम्हें क्या हो गया है? तुम कब से इतना बोलने लगे हो? कहीं उसकी सोहबत का असर तो नहीं हो रहा तुम पे? हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर बार बार क्यों मिलते हो उससे? अरे बताया तो है, इत्तफाकन मुलाकात हो गई थी। अच्छा, इतने इत्तफाक। माँ आप इलावा रिज्यूम कर रही हैं। बाबा आई एम रियली सॉरी, मैं आपको हर्ट करना नहीं चाहती थी, मगर जो चाहते थे वो भी नहीं चाहती थी। आपसे 10,000 इख्तलाफ से, मगर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपके प्यार पर भी शक नहीं है। आज मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है, आप करेंगे ना मेरे लिए दुआ? आंटी एक्चुअली मैं आपको सॉरी कहने के लिए आई हूँ, और आप मेरी तरफ से फरजाद को भी सॉरी कह दीजिएगा। एक्चुअली आज मेरी ज़िंदगी का ना बहुत बड़ा दिन है, जिस मकसद के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि मैं किसी को भी नाराज़ करके उस शो में जाऊँ। ओह, तो तुम गेम शो में पार्टिसिपेट करने के लिए आई हो? जी, और मैं जीत कर भी जाऊँगी इंशाल्लाह। फरजाद को कैसे जानती हो? मैं उनसे कराची में मिली थी। अच्छा अच्छा, कहीं तुम वो लड़की तो नहीं जो जबरदस्ती उसकी गाड़ी में लिफ्ट लेकर गई थी? हाय अल्लाह, आप ये सब कुछ भी जानती हैं? हाँ जानती तो हूँ भाई, जिंदगी में पहली मर्तबा फरजाद किसी की वजह से घर आने में लेट हुआ, और मेरे साथ रखी हुई कमिटमेंट भी नहीं पूरी कर सका, इसलिए मैंने ड्राइवर से सब कुछ पूछ लिया। इसलिए समझ में नहीं आया कि इमरजेंसी क्या थी। बस आंटी मैं आपको क्या ही बताऊं, दरअसल ना मेरी बहुत सैड स्टोरी है। मेरी एक सौतेली माँ है, वो बहुत जालिम औरत है। सौतेली माँ?
स्टेप मदर। हाँ हाँ जानती हूँ। वो ना बहुत जालिम औरत है, उन्होंने मुझे अपने घर में ना सिंड्रेला बनाकर रखा हुआ है। What? क्या बना के रखा? सिंड्रेला बना के रखा हुआ है। जैसे सिंड्रेला अपने घर के सारे काम करती है ना, वैसे मेरी सौतेली माँ मुझसे अपने घर के सारे काम करवाती है, बर्तन धोने से लेके सफाई से लेके इतने बड़े घर के सारे काम मैं करती हूँ। मुलाजिम तो बस बराए नाम रखे हुए। अच्छा, मुलाजिम है घर में? हाँ, मगर मुलाजिम तो सिर्फ डैड को दिखाने के लिए रखे हुए, सिर्फ उनके सामने काम करते हैं। उनके पीछे मेरी सौतेली माँ मेरे साथ क्या क्या करती है आंटी, मैं आपको बता भी नहीं सकती। सारे घर के काम मैं करती हूँ। छोड़ दे, मुझे तो मैनी पैडी का भी टाइम नहीं मिलता, बहुत जुल्म करती है। That is sad. बस इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया, और मैं इस गेम शो में भी इसलिए आना चाहती हूँ ताकि मेरे हालात बदल जाएं। और आप देखिएगा, आज रात के शो में 10 से 12 बजे, सोचो पाकिस्तान में 12 बजे के बाद ना मेरी किस्मत बदल जाएगी, जैसे सिंड्रेला की 12 बजे के बाद बदल गई। देखिएगा आप। You are so sweet. कितनी प्यारी बातें करती है। अच्छा सुनो, अभी हमें कहीं जाना है। And by the way, तुम्हारी कहीं मंगनी वंगनी तो नहीं हुई? नहीं। कैसी लग रही है उम्मीद? माँ ये आप क्या कर रही है? हमने पूरा दिन एक साथ गुजारा है, और देखो तो कितनी जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। माँ बहुत खतरनाक लड़की, इससे दूर रहे। सिंड्रेला तुम रूम में जाओ। सिंड्रेला? हाँ, इसकी सौतेली माँ घर पे इसके साथ सिंड्रेला जैसे सलूक करती है। सौतेली माँ? कभी सौतेली माँ कभी सौतेला बाप, ये हो क्या रहा है? मैं तुम्हें सारी डिटेल बताती हूँ। माँ मेरी बात सुने, ये लड़की ना झूठ बोलती है, झूठ पे झूठ बोलती है, और जब इसका एक झूठ पकड़ा जाता है तो उसको छुपाने के लिए एक और झूठ बोलती है। फरजाद मुझे एक लफ्ज भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने अभी क्या कहा है। आप बस ऐसा समझ लें कि जैसा लग रहा है ना वैसा कुछ भी नहीं है। Trust me. यार उसकी मॉम इतनी अच्छी है ना कि मैं क्या बताऊँ, कहीं से नहीं लगता कि उस खड़ूस की अम्मी है। बस बहुत सारे पैसे, एक अच्छा सा लुक, बस एक बार ही ग्रैंड प्राइज जीत जाऊँ ना, तुम देखना सारे पैसे उसके मुंह पर मार दूँगी। तुम तो शायद जीत जाओ उम्मीद, मगर मैं सब कुछ हार चुकी हूँ। क्यों, क्या हुआ है? वो कल आ रहा है मिलने। कौन? कहीं वो माकूल तो नहीं? हाँ वही। तो क्या हो गया, तुम उसे साफ साफ कह देना कि मुझे आप जैसे शरीफ और माकूल इंसान में रत्ती बराबर भी इंटरेस्ट नहीं है। यार तुम्हें तो पता है ना मुझे कितना डर लगता है। तो फिर तुम एक काम करो, जो तुम्हारा ब्लू वाला ड्रेस है जो तुम पे बहुत अच्छा लगता है वो पहन लो, माकूल भाई तुम्हें देखकर फिदाई हो जाएंगे। उम्मीद तुम्हारी ना जहर आलूद हंसी सुनने से बेहतर है मैं फोन बंद कर देती हूँ। अरे बेस्ट ऑफ लक तो कह दो। Thank you.
मेरा शो स्टार्ट हो गया। अरे तुमने टीवी लगा दी? हाँ, समीर कहाँ? समीर सब बैठे हैं टीवी लगाने पे वेट कर रहे हैं। हाँ एक मिनट, आराम से आराम से मैं करती हूँ। अल्लाह बहू से कहो कि बहुत सारे पॉपकॉर्न चिप्स वगैरह ना सब रख दे। सब रेडी है, आप बस चलिए, आज बड़ा मजा आएगा। यार मैंने आज इतनी दुआएं की है ना, नवाफिल माने तुम देखना मेरी उम्मीद ही जीतेगी इंशाल्लाह। ज़्यादा देर तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं हाँ। चले वो पॉपकॉर्न बनवा लिए? हाँ, जल्दी से ले आओ, जल्दी से बहू आ जाओ, उम्मीद का शो शुरू हो रहा है, जल्दी आओ। फाहूजान क्या हो गया है? पॉपकॉर्न समीर आ जाए, देख ले अपनी भतीजी के कारनामे भाई। अरे भाई कभी मेरी पोती के अच्छा, जल्दी जल्दी स्टार्ट हो गया। जल्दी जल्दी ये मैं रखूंगी। पापा कहाँ हैं? बैठ जा मेरा लग गया।